बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारि राम कृष्ण तत्रैव गङ्गामनुना विराधा आरोह्य मध्ये तु निमग्न नौका कृष्णो हि राधानुगलौकभौ च गोवर्धनो वेति शतामभिष्टम् प्रमदमदन लीला कन्दरे कन्दरे ते रजयति नवजूनो कन्दमस्मिन् नमन्नम् इति किल कल्लार्थम् लग्नकस्तद्वयोर्मे निज निकट निवासम देहि गोवर्धनम मे सब लोग बोले निज निकट निवासम देहि गोवर्धनम निज निकट निवासम देहि गोवर्धनम। ये गिरिराज गोवर्धन जी कृष्ण के नित्य परिकर हैं, गोलोक वैकुंठ ब्रज धाम से यहाँ पर अवतीर्ण हुए हैं कृष्ण की सेवा के। कृष्ण सेवार जन्न तिनि एखने प्रसिद्ध जखन सेत बांधु रामेश्वर बांधा छिल तखन हनुमान हिमालय थीके उनके निये आसछिलेन। हिमालय से हनुमान जी ला रहे थे पुल बांधने के लिए। जब यहाँ पर लेकर के पहुंचे इतने में रामचंद्र जी ने खबर भेजा जो जहाँ तक पर्वत लाया है जेखने थी का पर्वत आरण करे छे से वही खाने रखे थे। पुल बंद गया मैंने पुल बांधा हुए गलो आठ दरकार में हनुमान जी ने यहाँ पर। और भी कथा है काशी में गंगा जी तो हैं किंतु रम्य भूमि रमणीय पर्वत और वृक्ष इत्यादि नहीं। जैसे मुक्ति बात शुष्क होता है शुष्क है मुक्ति और जो कम वही धाम का एक शुष्क कैलाश में केवल बर्फ पड़ा है कोई पेड़ पौधे ये सब कुछ नहीं रसमयी भूमि है सब वहां पर बर्फ से और यहाँ पर कोई वृक्ष इत्यादि नहीं। वहां के ऋषियों ने सोचा जब यहाँ पर कोई पर्वत रमणीय वन उपवन रहता पुष्प यहाँ रहते वो तो बहुत ही सुंदर पुष्प रमणीय बनी इत्यादि था तो ताले बेस भालो। कोई ऋषि पुलस्त ऋषि चले गए द्रोण के यहाँ बोले जब तुम अपना पुत्र दे दो हम ले जाएंगे। अच्छा अपना हमारा पुत्र तो बड़ा प्यारा है इसको कैसे दें? नहीं देगा तो भी संपाद दे देंगे ना दिला भी संपाद दे। अच्छा बाबा जैसे महाराज दशरथ ने रामचंद्र जी को विश्वामित्र के लिए दे दिया दिए दिए छे वही रकम दिए दिए मंगली हो गए ताई तुम्हें दिए दिले इसीलिए उन्होंने दे दिया। कहा जब मैं जाऊंगा तो ठीक है अमी जाबो किंतु अपवित्र अवस्था तमा के लिए जीते हमें ना अपवित्र अवस्था से हमको मत ले जाना और यदि कहीं बीच में रख दिया तो हम उठेंगे नहीं। तो ठीक हमको मंजूर है हमारा मंजूर है बस उठा करके ले चले और यहाँ आए तो बड़ी जोर से पेशाब लग गया। और पवित्र अवस्था में तुमको रख नहीं सकते तो पवित्र अवस्था का रखते करते ऐसा जोर से हुआ कि मालूम है जब कपड़े में हो जाए। कहे गिरिराज जी आप यहीं पर थोड़ा सा ठहरिए मैं अभी अपवित्र अवस्था में तो आपको धारण करूंगा नहीं। गिरिराज गोवर्धन मुस्कुरा करके नीचे उतर गए। जब उनका वो हो गया स्नान स्नान करके फिर आए जखन स्नान करे प्रयास ले कहे अब हमारे उंगली पर उठ जाइए। कहे अब तो मैं जाऊंगा नहीं भाई चाहे जो कुछ भी कर ली जाएगा नहीं तो नहीं इतना दूर से लाया तुम जाएगा नहीं।
तो जाओ, यदि नहीं जाएगा तो अभी संपा देंगे, जो इच्छा हो तुम कर दो। अब इस स्थान से मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं पर रहूंगा। तो फिर उन्होंने कहा नहीं जाएगा तो एक एक क्षण तुम एक एक तिल घटता जाएगा, एक एक तिल तुम्हें क्षीण हो गए यदि ना जाओ। एवं मस्त हमको मंजूर है, मरना मंजूर है, किंतु इस स्थान से जाना हम मंजूर। कृष्ण का भजन करेंगे तो जीवित रहेंगे, यदि भजन ही नहीं मारते जीवित रहने की जरूरत क्या। यदि हम भजन ना करें तो ये जीवन की प्रयोजन आर एक हंते क्या हम लौड़बो। बस ऋषि बड़े दुखी होकर के चले गए। तब से गिरिराज के बस दिखलाया जा रहा है कि ऐसे अनेक तो नित्य काल से ही यहाँ है, नित्य कलिया है। यहाँ पर वो स्थान है, बड़ा रसमय स्थान है, गोविंद कुंड में ऋषियों का यज्ञ हो रहा था, ऋषिगण ने यज्ञ होती गोविंद कुंडे। आर गोपीराज सब दधी माखन दूध यही सब यज्ञ जन्न होम करवार जन्न आहुति दीवार जन्न घी इत्यादि सब माखन इत्यादि लिए जाते मक्खन लेकर के जा रही है। जब यहाँ पर इधर से इधर पार होकर के इधर आएंगी वही अच्छे दान घाटी वही रास्ता टा होता है से काम में बंद आर वही सब बोलिए स्थान के एक जाए अथवा एक खान तक उठने जाए। दो पहाड़ों के बीच में जो सकरी रास्ता होता है उसको कहते हैं दान घाटी। अभी हम लोग दान घाटी वहाँ दे करके आए 15 रुपया दे करके तब इसमें प्रवेश किए, ऐसे नहीं आने देंगे यहाँ। तो कृष्ण यहाँ पर लठिया लेकर के खड़े हो गए, गोपियों से बोले अरे गोपियों तुम तो ऐसे ही रोज रोज दही लेकर के और दूध लेकर के पार हो जाती है और कभी भी टैक्स नहीं देती, दान नहीं देती। तेरे बाप का है जो हम दान दें, ये तो हमारा है, तुम्हारा तो बन है ही नहीं। कह नहीं ये बन मेरा है, मैं महाराज नंद का लड़का हूँ और ये राज्य हमारा है। गोपियों ने कहा ये तेरा कैसा है बतलाओ। ललिता जी बड़ी प्रचंडा है, उन्होंने कहा जिसे तुम बतलाओ प्रमाण दीजिए तुम्हारा है। उन्होंने कहा वृंदा हमारी औरत है, वृंदा हमार पत्नी, अत जखन विवाह होलो तखन वृंदा देवी यही राज्य टामा के दिए दिले तहार राज्य था नहीं जैसी कहे गलो दीते है ना पत्नी जे राज्य की पत्नी कोनो संपत्ति पति निजे थी के भेज जाए। पत्नी की कोई भी संपत्ति पत्नी का हो जाए पति मालूम उसका हो जाता है, इसलिए मैं इसका राजा हूँ और मैं वृंदावनेश्वर हूँ। गोपियों ने कहा अच्छा उसे बुला लो। गोपियों उनको वृंदा देवी को बुलाओ, वृंदावन का डाका वृंदा देवी का डाका हो, वृंदा देवी के लेके नहीं आस लो गोपीगण, तुम शक्ति शक्ति बोलो यही काला संगे तुम्हारे विवाह हुई छे कि तुम्हारी शादी इस काले के साथ में तुम्हारा हुआ है कि यहाँ झूठ बोल रहा है। कहा इसको तो मैं पहचानती नहीं हूँ, इससे हमारा कभी कोई संबंध नहीं है इस काले से, ये तो जानती नहीं हो एक महाराजा का लड़का एक्टिंग महाराजा से परम सुंदर सब दिख दे खूब भालो किंतु ब्रजर एक्टी कोनो में के विवाह करते चाहे नहीं एक दिन आज पर्यंत तेरे विवाह हो नहीं देखो ताले बुझो जो कतो गुनी छेले नहीं समझ में आया करें कि इतना बड़ा हो गया और बड़ा सुंदर देखने में और राजकुमार और इसकी कोई भी लड़की ब्रज की छोटी सी लड़की भी किशोरी इसे शादी नहीं करना चाहती इसलिए आज तक ये कुंवारा रह गया, तो कोई कारण जरूर इसमें रहना चाहिए, कोई जरूर कारण है। राधिका जी ने ये बात कही जिसकी शादी ही नहीं होती है कोई राजी ही नहीं है स्पेशल तो जरूर कुछ बात है, ये बहुत झूठा आदमी है और किसी से प्रेम नहीं करता है, ऊपर से सबसे दिखलाता है, इसलिए इसकी शादी ही नहीं है। और सत्य है ये कोई भी शादी इसे नहीं करेगी। और तब पूछो तो ये वृंदा